ए सेट के दो एलिमेंट्स हैं और बी के भी दो एलिमेंट्स हैं ए के एलिमेंट्स हैं एंड बी बी के एलिमेंट्स हैं सी एंड डी अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको तो दे सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी है तो हमने दोनों सेट्स को आगे लिख दिया ए सेट हमने लिख दिया ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी दोनों सेट्स को हमने लिख दिया अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है लाइक like ये वाला एलिमेंट ये पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ सी के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा ये दूसरे एलिमेंट के साथ सेम इसी तरह इसी तरह फिर बी जो तो पहले सेट का दूसरा एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ फिर ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ तो अच्छा इसका और एक तरीका फाइन करने का कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनल जो हमारा सेट बनेगा उसके अंदर कितने सेट्स होने चाहिए लाइक अब देखें पहले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टू दूसरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है टू तो टोटल हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे इसमें इनके प्रोडक्ट में फोर अच्छा स्टूडेंट्स अब आप लोग तो यहाँ दे सकते हैं पहले हमने ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने सारा पहले ब्रैकेट के अंदर और फिर एक एक सेट को हमने अंदर लिखना है राउंड ब्रैकेट्स में पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो आएगा ए कोमा सी ये हमारा बन गया एक सेकंड हम करेंगे ए को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट यानी कि डी के साथ ये हो गया अब ए को हमने दोनों एलिमेंट्स के साथ कर ली दूसरे सेट के अब बी को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड सेट के दोनों एलिमेंट्स पहले बी को करेंगे सी के साथ फिर बी को करेंगे बी के साथ तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर कितने टोटल सेट्स बने हैं फोर सेट्स बने हैं जैसे कि हमने आ, इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया था कि हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे फोर अब सेम इज़ द केस विद बी मल्टीप्लाई बाय ए अब बी मल्टीप्लाई बाय ए के अंदर भी हमने सेट्स लिख दिए दोनों बी मल्टीप्लाई बाई ए बी सेट पहले लिखा सी डी फिर हमने ए सेट लिखा है ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट अच्छा अब हम इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे इसके अंदर भी हमने ऐसे करने के पहले फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे फिर फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे उसके बाद सेकेंड एलिमेंट uh, को फर्स्ट सेट के सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे फिर सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड फर्स्ट सेट के सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड सेट के सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने सेट्स बनेंगे फोर यहाँ देखें पहले हमने सी को किया ए के साथ हमारे पास आया सी ए फिर सी को किया बी के साथ सी बी डी को किया ए के साथ डी ए फिर हमने किया डी को बी के साथ डी बी और ये सारे हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फाइनल ये वाले ब्रैकेट्स तो हमारे साइड के ऊपर रहेंगे रहेंगे बट सेंटर में हमने जो प्रोडक्ट लेते रहेंगे उसको हम प्रेजेंट करते जाएंगे राउंड ब्रैकेट से लाइक पहले किया सी को ए के साथ तो ब्रैकेट सी एँ पर भी कॉमा फिर डी को ए, ए सॉरी सी को बी के साथ करना है सी कॉमा बी कॉमा इसी तरह आगे ए, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ डी एमा डी बी फिर ब्रैकेट D कॉमा बी और फिर हमारा ये फाइनल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो ये इस तरह हम करते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं आई विल आंसर यू देयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़